आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव कोटला नंगला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर और ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 1800 वोट और 5000 की जनसंख्या वाले गांव की जिम्मेदारी श्रीमती नफीसा बेगम ने संभाल रखी है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में इन्होंने अनेकों कार्य कराए गए हैं। अभी भी गांव किसकी समस्या से जूझ रहा है, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र के जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के कोटला नंगला गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान पुत्र से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ प्रधान आपकी माता जी है, उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास अब तक आपने अपने गाँव में करवाए हैं? सीसी टाइल्स कार्य करवाया है, आवास मिले हैं, यहाँ आवास मिले हैं हमारे यहाँ 36 आवास तो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं जी, और 2 लोही आवास मिले हैं जी। कितने शौचालय से आपका ये गांव ओडिया हो गया? 200 से लगभग शौचालय बना दिया है। दो ओडिया में हमारा पेंशन वगैरह मिल रही है यहाँ लोगों को? पेंशन में भी दिक्कत आ रही है थोड़ी, ये टाइम पर नहीं आ पा रही है लोग, आ नहीं पा रही बात करते हैं लोग। क्या उसके लिए आपकी कोशिश जारी है? हाँ कोशिश कर रहे हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इसका लाभ गांव में सभी को मिला है? हाँ सभी को मिला है। किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? कुछ का आया, कुछ का नहीं आया। किसानों को बीजों पर सब्सिडी मिल रही है? यहाँ सब्सिडी सबको मिल रही है। बीमा हुआ है? हाँ बीमा भी हुआ है। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिलती है समय पर? बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ सफाई की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। सफाई कर्मी यहाँ समय पर आते हैं? नियमित नहीं आते जी। स्कूल पर क्या क्या काम आपने करवाए हैं? स्कूल में टेस्ट कराई है, परत कराए हैं, बाउंड्री कराई है, शौचालय कराए हैं। इतना सौंदर्यकरण स्कूल पर करवाने के बाद में पिछले वर्षों से आपने कोई बदलाव देखा शिक्षा, मतलब शिक्षकों की जो शिक्षा का स्तर है वो बदला है, बेहतर हुआ है पहले से? अच्छा हुआ। छात्रों की संख्या बढ़ी है? बढ़ गई। यहाँ पर आपके गाँव में सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारातघर है? बारातघर नहीं है, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है, शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट नहीं है। यहाँ के तो हिंदू समाज भी होगा यहाँ पर? यहाँ उनको अंत्येष्टि स्थल के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है? नदी के किनारे जाते हैं। कितना दूर उनको पड़ती होगी? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। क्या आपने कभी यहाँ शमशान घाट के लिए मांग रखी है? अब यहाँ पर आपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से करना चाहेंगे? तो पहले तो सुंदर घाट जी, उसके बाद में पानी की टंकी होनी चाहिए, ओवरहेड टैंक के लिए, ओवरहेड टैंक जी, बाद में बच्चों के लिए क्या क्या बनाते हैं, अम्बेडकर पार्क हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, बाकी काम कराए जाएंगे। कितना मीटर रास्ता अभी यहाँ पर कच्चा होगा? कच्चा तो कम से कम जाएंगे 2,500 मीटर अभी है, 2,000 मीटर। कितने गरीब लोग यहाँ ऐसे होंगे गांव में जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, कच्चे मकानों में रह रहे होंगे? 60-70 लगभग, 60-70 लोग। और कोई समस्या आपके गांव में प्रमुख ऐसी महसूस करते हैं जिसके लिए चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे, ग्राम पंचायत में? हाँ इस चीज़ का ध्यान दें कि बस लोगों को विकास मिले। जैसा कि आपने देखा यहाँ प्रधान पुत्र से हमने बातचीत की है, काफी विकास यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी का इस कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी लोगों को दिलवाए हैं। यहाँ पर शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, काफी विकास यहाँ प्रधान ने करवाया है। यदि अब समस्याओं की तरफ हम नजर करते हैं तो काफी समस्याएं यहाँ देखने को मिली है, जैसे कि बारातघर, पंचायत घर, शमशान घाट तक यहाँ इस गांव में नहीं है, उसके लिए लोगों को काफी दूर नदी के किनारे जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रधान यहाँ बारातघर, पंचायत घर, शमशान घाट, अस्पताल और खेल के मैदान को लेकर प्रमुख मांग रखते हैं। यहाँ लगभग 2000 मीटर कच्चा रास्ता है जिसके लिए प्रधान से उसकी मांग करते हैं। लगभग 60-70 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मकसूद है। मकसूद जी, यहाँ पर प्रधान द्वारा जितना विकास कार्य बताया गया है क्या उससे आप सहमत है? इतना विकास हुआ है, विकास हुआ है, पेंशन वगैरह मिली है यहाँ लोगों को? हाँ मिल रही है, सड़कें तो अब कच्ची नहीं है, ज्यादातर पक्का करवा दिया है। क्या पिछले जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं यहाँ उनके कार्यकाल के विकास में और अब जो मौजूदा प्रधान है इनके कार्यकाल के विकास में आप कोई अंतर देखते हैं? हाँ इनके में अंतर है, ज्यादा विकास हुआ है, ज्यादा विकास हुआ है।